कूड़ा दे दो, कूड़ा कूड़ा दे दो आंटी। हम आज स्टूडेंट्स की नहीं टीचर्स की बात करने वाले हैं। लेकिन वो क्यों? वो इसलिए भी ना क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, इको क्लब में भी नेशनल ग्रीन कोर के मेंबर्स अपने टीचर इंचार्ज से ही गाइडेंस लेते हैं और इन टीचर इंचार्ज को भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अगले दौर में अब मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग लेके अपने जिले में कूड़ा दे दो, scored. He's hitting the deck and the seam, which allows the ball to deviate either way. Terrific stuff, it was incredible bowling by this young boy. Only his. ऐसे कुछ कर दिखाने का जज्बा हो ना तो वाकई इंसान की हर मुश्किल आसान हो जाती है। सचमुच फिजा, हम भी अपने दोस्तों फिल्म के लिए कैसेट बना रहा है। मेरी कहा मैंने मैं हीरो कहा और मेरे ही खींच ले रहा है, बात ना हो जाएगा। क्या हनक बना तू हनक बना रिक्शा
बचपन में जब मैंने फिक्सर देखता था तूफानगंज में, हॉल का नाम है कबीरी। फर्स्ट क्लास का टिकट है 12 रुपये और सेकंड क्लास का 10 रुपये। वहाँ फिक्सर देख रहा था तो देख के जब घर जाता था मम्मी भी डांटता था, पापा भी डांटता था, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं है, फिक्सर देखने में चला जाता हूँ। एक दिन गुस्से में मम्मी ने कहा था अगर फिक्सर देखना इतना ही शौक है तो अपना बना ले। तो उसी दिन से मैंने सोच रहा हूँ जब मेरा अपना बनाऊँगा और कर भी रहा हूँ, आके बस चार साल से कमा रहा हूँ और उधर पैसा लगा रहा हूँ। हाँ रिक्शा डल गया, अभी घर जाके मुझे द्वारका जाना है, वहाँ दोस्त के साथ मिलने के लिए 15 मिनट मेरा लेट हो गया। ठीक है सर, हाँ ये भी तो जरूरी है। ये पर्दा और ये कुर्सी की, ये हो गया कुर्सी के बीच में जो रास्ता ये वाले, और ये चारों तरफ दोनों तरफ जो कुर्सी हुई है ये बीच में से ऐसे करके एक कुर्सी ऐसे आएगा। ये जो फैमिली वाले आएगा ना, फैमिली वाले के लिए, उसके बाद अगर बच्चा होगा, बच्चा है तो बच्चे को लेके तो 2.5-3 घंटा चलना बहुत ही मुश्किल है। दोनों साइड में अभी भी होगा और ये बीच वाली होगा बच्चे का। ये जो पेपर पर मैं बना के दिखा रहा हूँ और इसी तरह गांव में जाके मैं कुर्सी भी इसी तरह ही बनाऊंगा। क्या करते हो? कबाड़ी का काम। ये कबाड़ी का काम क्यों करते हो? कब से कर रहे हो? 1 महीने से। क्या नाम है? अनवर। अनवर, तो तुमने कोई आई कार्ड वगैरह बना रखा है अपना? हाँ मेरा आई कार्ड है। कहाँ है? अरे आई कार्ड लेके आई हो घर से? नहीं, आप लोग कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? काम तो कर सकता हूँ लेकिन सर मिल नहीं रहा था क्या? अरे कहाँ रहते हो तुम? यहीं पे रहता हूँ। और पीछे से कहाँ के रहने वाले? पीछे से कुछ बिहार का, वेस्ट बंगाल का। कुछ बिहार में है, वहाँ कोई कमाई का साधन है तुम्हारे पास? ना, अगर होता तो सर कैसे दिल्ली में कैसे आ जाता? हाँ दिल्ली में आके कोई अच्छा काम करो ना, आप ये कबाड़े काम नहीं करो। अरे आई कार्ड लेके आइयो। नाम एड्रेस लिखा है। अनवर मियां। एड्रेस क्या है? प्लेट नंबर वार्ड नंबर 2 ही है। वार्ड नंबर 2। हाँ वार्ड नंबर 2। यहाँ का, वहाँ का एड्रेस कुछ बिहार का भी दो। कुछ बिहार के गांव का नाम है कृष्णपुर। विलेज कृष्णपुर। हाँ डिस्ट्रिक्ट कुछ बिहार। कुछ बिहार वेस्ट बंगाल में। कहीं ऐसे तो नहीं आप उसके हो? किसके? जो ये वेस्ट बंगाल तो अपने इंडिया में है। हाँ और जो बांग्लादेश की बात करें, इसलिए सर आई कार्ड दिखाता हूँ, देख लीजिए खुद ही पता लगेगा कहाँ का है। ये रहा सर आई कार्ड, इसमें थाने वगैरह सब कुछ लेकर। ये
ये तुम्हारी कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा। और ये वेरिफिकेशन कराई आपने थाने? हाँ। वेरिफिकेशन कराई है आपने यहाँ के लिए? हाँ हाँ, ये कराया, फॉर्म भरा हुआ है। ये दियो फॉर्म, दियो कल के जो फॉर्म डा दीजिए, फॉर्म डा। मतलब यहाँ का प्रूफ के लिए ना? हाँ, अभी इसको भरा हूँ लेकिन जमा किया नहीं, नहीं आज आज करेंगे ना सर। ये तो आप इलेक्शन बनाने के लिए वेरिफिकेशन कह रहा हूँ, थाने में वेरिफिकेशन कराई कि भाई हम यहाँ से आके यहाँ रह रहे हैं, इस बगैर आप यहाँ नहीं रह सकते। आप दिल्ली में, आप देखिए कितनी गंदगी है, आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज तो कर नहीं पाऊंगा सर, कल करना पड़ेगा सर। पेप्सी वगैरह कुछ लीजिए। नहीं, एक पेप्सी पीने में आपकी कितने टाइम लगे? एक पेप्सी लाइए। मैंने डरा नहीं, किसी ने कंप्लेन किया होगा गांव में कोई काम ना। हमको लगा अगर गांव में अगर कोई काम होता तो दिल्ली में क्यों होता, तो गांव में ही फरार रहता। सुबह सर 5 बजे लेके तो मैंने 8 बजे तक गाड़ी धोता हूँ, उसके बाद घर आके कुछ नाश्ता पानी करके जाता हूँ कूड़ा उठाने के लिए, वहाँ से आ जाता हूँ 1:30-2 बज जाता, फिर 3 बजे से काम स्टार्ट कर देता हूँ रात 11 बजे तक। इतना मेहनत करके 15,000-15,500 के आसपास महीने में कमा लेता हूँ। दिल्ली में जब काम करता हूँ 10 दिन की बात 15 दिन की बात मम्मी का बहुत ही याद आ जाता है, पापा की भी आता है। जब याद आता है तब फ़ोन कर देता हूँ, अगर घर से बोला तो जहाँ जा 1-2 दिन के लिए, फिर चला जाता हूँ जाके मम्मी से मिलता हूँ। आसपास
কি বলছ? আরে কাকা, আমি বাড়িতে কেন, কি জরুরি দরকার? ইয়ে আমার গাঁও কা জানা পড়েগা মুঝে আমি এক ঘন্টে কে লিয়ে কই কুছ কাম কে লিয়ে তোমাদের বাড়িতে। আচ্ছা, ও কত টাকা লাগবে? কি করা লাগে? কাল আপকো মানে বতায়া থা না জমিন কে বারে মে, উসকে কাগজ নিকাল রা, ইসলিয়ে কে রা 4,000 রুপিয়া লাগেঙ্গে। মে কে রা থা আভি 4,000 রুপিয়া মে ইস বক কাহাঁ সে দু। আচ্ছা, মানে আজকেই হবে রেজিস্ট্রি? কিন্তু এই মুহূর্তে আমি 4,000 টাকা কোথায় পাবো? জব কাগজ নিকল যায়গা তো কোই বাত নেই, বাস হো গয়া কাম। উসকে বাদ করিব আভি এক ঘন্টা পহলে জব পৌঁছ যায়েঙ্গে ওয়াঁ যাকে, বাস সিরফ আধে ঘন্টা কা কাম হ্যায়। তুফানগঞ্জ মে জানা হ্যায়, কাচরে কোর্ট মে জানা আনা দোনো মিলকে 1.5 ঘন্টা লাগেঙ্গে। खेती बचाने के लिए मुझे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ रहा। कोर्ट का काम था 1/2 घंटे, लेकिन वहाँ पूरे दिन लग गया। इधर फिर वो खाना वाना में लग गया 400 रुपये। सारा दिन अंगूठा भी लगवाया, 6 जगह में अंगूठा लगवाया, 10-10 उंगली का। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कागज़ तो मिल गया, अपना ज़मीन के कागज़ वागज सब कुछ मिल गया। पहले बचपन में धान लगाता था, पाट लगाता था, बहुत कुछ, आलू मिर्ची ऐसे ही कुछ लगाता था, काम भी कर रहा था। उसके बाद तो दिल्ली चला गया मैं।
भी जब दोनों आएगा उसके साथ तो कम से कम एक बच्चा भी तो होगा ना, उसके बच्चे के लिए तो गोद में बैठ के तो दिक्कत वाली बात है ना सर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके बच्चे के लिए ये बीच में इतना सा एक कुर्सी बना दो तो उनका भी सही होगा। इस तरह ये कुर्सी लगा देंगे एंगल से बैंड करके, तो ये हो गया बच्चे का कुर्सी। एक आदमी देख लिया तो वो भी तो घर जाके बताएंगे जो वहाँ बढ़िया सा चल रहा है, वहाँ बच्चे को बैठाना पिक्चर देखना बहुत बढ़िया बात है, मेरा भी कस्टमर बढ़ जाएगा और इधर भी हो जाएगा। मैं हूँ अनवर हुसैन और मैं हूँ दीपक राय, इसको मिलके दोनों मिलके आगे तक चलाएंगे और चलता भी रहेगा सर। यहाँ पे ज़्यादा बंगला और हिंदी भी चलती है, मिथुन, अजय देवगन, अक्षय कुमार ये सब अच्छे से फिल्म चलते हैं। बंगला सबसे प्रसन्नजीत और ये रचना बनर्जी हीरोइन ये सब ज़्यादा चलती है, मारधर हो, गाने भी अच्छे हो, वो सब फिल्म चलते हैं। आग लगी थी पहले तारीख को 12 बजे 12:30 करीब, और उस टाइम तो सारे आदमी तो सो रहा था, कोई जगा हुआ नहीं था, बस अचानक ही आग किसी के ऊपर गिर गया और सारे लोगों ने जाग के देख रहा है आग लग गया, किसी ने कोई चीज़ बचा भी नहीं पाया, सारे बेकार जल गया, खाना वाना सब कुछ जो भी था, कपड़े कपड़े कोई कुछ नहीं बचा सका, किसी के मोबाइल भी गया, मेरा एक मोबाइल था मेरा भी गया, दुकान है 2-3 वो भी जल गया सारे। लेकिन अभी तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं, अभी कम से कम 3,000 रुपये लगेंगे टीम में, 3,000 रुपये अभी है नहीं मेरे पास, तो फिर पैसे का कुछ अभी वो करूं क्या? कर दीजिए तो अगर कर सकते हैं तो शाम तक ही कर दीजिएगा, बस सुबह ही टीम ले आके कल ही फिट कर दूंगा। अरे रुकना मोहम्मद, साहिब
चल भाई आराम से रखियो, रुकना जाए। इतना का तो जरूरत है नहीं, देखो इतना सा हो जाएगा। हाँ सही है। चल बैरी नहीं जाओ। तुम्हारा जितना नेक काम है ये सारे नेक काम तुम्हारा जो है अल्लाह को हुक्म मानने पर काम आएगा। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जमजमा ने बताया कि मेरा जान ऐसा करके निकाल गया कि लगता है के हजार बकरों को जबे करने में और उसको साल खिलाने में जितना तकलीफ उससे भी ज्यादा तकलीफ मेरे को। सलाम ने फरमाया दुनिया में जितना सारे इंसान और मखलूक आया आप अल्लाह वाले सलाम ने फरमाया था लगता है कि मेरे ऊपर बहुत पहाड़ मेरे सीने पर रखता है। यह है बहुत का तकलीफ। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, फिर हजरत ईसा सलाम से मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, जमजमा ने बताया उसमें मैं बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। الله أكبر الله أكبر الله أكبر अल्लाह हम सबको हज नसीब फरमा। अल्लाह कवासिर सबको नसीब फरमा। अल्लाह मजले शर ज़ियारा सबको नसीब फरमा। अल्लाह बिना हज का अल्लाह।
प्रोजेक्टर की वजह से मैं दिल्ली में रुका हूँ। मैंने सुना था चांदी चक्की में मिलता है, बस वहीं से लाऊंगा। कम से कम 80-90 हज़ार तो लगेगा ही, लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे वो चाहिए, प्रोजेक्टर मुझे चाहिए। जाते वक्त मैंने जो सोचा था, घर से जब निकाला था जो दिल्ली जा रहा हूँ कुछ तो बनने के लिए, कुछ जब तक ना बनो तब तक लटूंगा नहीं घर, तो वो सपना आज मुझे पूरा हो गया। बच्चे होते रहेंगे। हाँ अनवर, हम लोग चल दिए थे कुछ बिहार से, पुल पार करके आ गए हैं। मार्केट से मैंने लेफ्ट ले लिया, वो कच्ची कच्ची सी सड़क है, उसी पे आना है ना आगे? नहीं नहीं, कच्ची की तरफ नहीं। हाँ तो पट्टा वाला रोड है ना, इसी रोड पे। हाँ जो टूटी टूटी सी है। हाँ हाँ। अभी आगे से ये बता, मैं ड्राइवर को फोन दे रहा हूँ, ठीक है? इनको बंगला में बतला दो कि किस रास्ते पे आना है, तो ये लोग बात करो एक सेकेंड जल्दी से। कितनी दूर है यहाँ से? बस अभी चलो चलो 1 किलोमीटर ही है। कैसे, पैदल है? हाँ साइकिल से वहाँ तक आ गया, इसकी बात पैदल नहीं आता, लेट हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ। मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, ये घर दिखाई दे रहा है यहीं पर, लेकिन घूम के जाना है। बस ये आगे चौक से राइट को जाना है, बस वहाँ से 2 मिनट के लगेंगे।
बस आगे इसमें जा रहा है। क्या राइट घूम सकते हैं कह रहे भैया। सही है अनवर तो हमारे काम करता था दिल्ली में, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे चाचा है ये? नहीं नहीं पापा का बड़ा भाई है। हाँ तो उसको प्रायः बोलते हैं। हाँ वो बिहारी में तो ऐसे कहता है, हमारा बंगला में कहता है पापा का बड़ा भाई को जेठ, और उधर बिहार में कहता है तव, इसलिए फराह कहते हैं लोग। ये ईदगाह है, नमाज़ पढ़ने आते हैं। बचपन में भी हमने भी नमाज़ पढ़ने यहीं आते थे। यहाँ 2-2.5 हज़ार लोग हो जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। गांव की ईद और दिल्ली का ईद बहुत फर्क है। दिल्ली में जब नमाज़ पढ़ने जाओ, नमाज़ पढ़ के सीधा घर आ जाना पड़ता है। जैसे अगर मिलने जाऊँगा तो वो समझेगा चला गले में मिल के मुझे बम में फंसाएगा, इसलिए ये सब तो दिल्ली में होता नहीं है, गाँव में हो जाता है। हाँ गाड़ीटा आटक करो, गाड़ीटा आटक करो, हमें आस्ते से। गाड़ी पीछे क्यों नहीं गया, ये आगे क्यों ना? लोगों ने कैसा लगा सांग झाबे नाम लेना देख लेना, झाबे नाम दे नाम तो ताऊ गाड़ी पीछे मार दिलो इस जगह खुश क्या मार झाबे के तो लिखा ना, झाबे के तो लिखा ना आलू हम तो मालिक से नहीं ना, गाड़ी से ले रहा। उतर की बोलते जाने दो। दिल्ली में जो हम गरीब बंदा काम करते हैं, तो अगर कोई भी लफड़ा आ जाता है तो बंगाली को पुलिस वाले सोचते हैं जो ये बांग्लादेशी है। ये है हमारा बांग्लादेश की बॉर्डर और ये है हिंदुस्तान की बॉर्डर, तो बीच में बोट तो चलता ही है। और जब बांग्लादेश से आदमी इस पार आ जाता है तो उसको दलाल ने पार कर देता है, उसमें 2-3 हज़ार एक एक बंदा का ले लेता है। अरे हम फिर पैसे नहीं।
बंद कर देता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पर्दे लग गया यहाँ पे और बहुत पब्लिक आ गया, हाउसफुल हो गया और कल से ये लगातार चलते रहेगा यहाँ पे। बाजार में ऐसे पर्दा लगा हुआ है आज से, तो तब तो होगा परिवार वाले में, और परिवार जब होंगे तो उस टाइम शो करना पड़ेगा आपको। चार बजे लेके से 7 बजे तक करना पड़ेगा, 7 से लेके 10 तक करना पड़ेगा, तब तो परिवार लोग होंगे ना। Thank you.
के बारे में सर आपको सलाम और नमस्ते करते हैं। इस पर्दे हमने बहुत ही सपना मुझे था, ये सपना भी पूरा कर लिया। अब तो मेरा पिक्चर हॉल बन गया। आप जो मेरा ऊपर जो पिक्चर बना रहे हैं इसको मुझे दे दीजिएगा, चला के जितना आमदनी होगा उसमें से आधा आपका मिलेगा आधा मेरा होगा।